नमस्कार, विपुनिया में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। चीन की एक और उकसाने वाली हरकत, भारत की समुद्री सीमा में घुसे चीनी जहाज। सुशील मोदी का बड़ा खुलासा, लालू के पुत्र तेज प्रताप को 4 साल की उम्र में ही दान में मिली 13 एकड़ जमीन। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार और RBI से पूछा, जो लोग नोटबंदी में पुराने नोट जमा नहीं करा पाए उनके लिए कोई विंडो क्यों नहीं हो सकती। दक्षिण कश्मीर के पुलवामा में मैराथन मुठभेड़ में 4 आतंकवादी मार गिराए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसराइल की 3 दिवसीय यात्रा पर रवाना, कहा दोनों देश साझेदार के रूप में आगे बढ़ रहे हैं। कांग्रेस ने कहा, नरेंद्र मोदी की विदेश यात्राओं से देश को लाभ नहीं। योगी आदित्यनाथ ने नई मर्सिडीज के इस्तेमाल से किया इनकार, पुराने वाहन का ही करेंगे इस्तेमाल। शिवसेना ने कहा, गौरक्षा के नाम पर लोगों की हत्या करने वाले हिंदू नहीं। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए अधिसूचना जारी, 18 जुलाई तक दाखिल होंगे नामांकन। G20 देशों के सम्मेलन से पहले उत्तर कोरिया ने फिर किया बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण। बांग्लादेश की राजधानी ढाका के बाहरी क्षेत्र में कपड़ा कारखाने में विस्फोट, 9 लोगों की मौत। ये थी आज की खास खबरें, और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।